नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वेद ट्रेवल 600 किलोमीटर टू हिज होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार. चलिए एक डायग्राम बना लेते हैं. वेद ट्रेवल 600 किलोमीटर टू हिज होम, अपने घर की तरफ वो जा रहा है, उसको 600 किलोमीटर टोटल चलना है. ओके, 600 किलोमीटर उसको टोटल चलना है. थोड़ा वो ट्रेन से जाता है, थोड़ा कार से जाता है. ही टेक्स 8 आवर्स, उसे 8 घंटे लगते हैं. कब? जब इफ ही ट्रेवल्स 120 किलोमीटर बाय ट्रेन. ओके, यानी कि ये देखिए, ये 120 किलोमीटर जाता है वो कैसे, ट्रेन से. ये ट्रेन से गया है और जो बची हुई दूरी है, बची हुई आप निकाल सकते हैं, क्वेश्चन में नहीं देगा आपको. एंड रेस्ट बाय द कार, यानी कि जो डिस्टेंस रिमेनिंग है ये आपको नहीं देगा, आपको खुद सोचना है. रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 600 है ना पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक 600 है पूरा. तो 600 में से 120 माइनस कर दीजिए. ओके, तो 10 - 2 = 8, 5 - 1 = 4, यानी कि ये जो 480 किलोमीटर है इसको वो ट्रेवल करता है किसकी हेल्प से, कार की हेल्प से. ओके, अब आगे का हम बाद में पढ़ेंगे क्वेश्चन, पहले लास्ट में पढ़िए. फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड कार. तो इसका सॉल्यूशन देखिए, आपको स्पीड निकालनी है ट्रेन की और कार की. तो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी 100 किलोमीटर पर आवर. ट्रेन की स्पीड आपने अज्यूम कर ली 100 किलोमीटर पर आवर. और इसी तरीके से स्पीड ऑफ द कार, कार को अज्यूम कर लीजिए y km/h. ओके, अब ध्यान से देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा. अगर आप केस वन पढ़ते हो, केस वन अगर आप पढ़ते हो, केस वन में देखिए क्या बोला गया है. ही टेक्स 8 आवर्स, है ना. इफ इफ He travels 120 किलोमीटर by ट्रेन एंड remaining, रिमेनिंग का मतलब 480 किलोमीटर by कार. अब देखिए, जब वो ऐसा करता है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जब वो ऐसा करता है क्या करता है, 120 किलोमीटर तो ट्रेन से जाता है और बचा हुआ कार से जाता है, तो टोटल टाइम कितना लगाता है. क्वेश्चन पढ़िए, ही टेक्स 8 आवर, 8 घंटे लगाता है टोटल. तो सुनिए ध्यान से, अगर आप ट्रेन ने कितना टाइम लगाया वो निकाल लो और कार ने कितना टाइम लगाया वो निकाल लो और दोनों को ऐड कर दो. सपोज ट्रेन ने टाइम लगाया TT, टाइम टेकन बाय ट्रेन, और कार ने टाइम लगाया टाइम टेकन बाय कार TC. अगर मैं टीटी को टीसी में ऐड कर दूं, टीटी क्या है, टाइम टेकन बाय ट्रेन. ओके, टाइम टेकन बाय टू ट्रेवल 120 किलोमीटर, ट्रेन ने 120 किलोमीटर जाने में जितना समय लगाया. एंड व्हाट इज टीसी, टीसी इज टाइम टेकन बाय कार टू ट्रेवल 480 किलोमीटर. ठीक है भाई, जितना टाइम ट्रेन ने लगाया है और जितना टाइम कार ने लगाया, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो वो अपने घर तो पहुंच ही जाएगा, लेकिन उसको घर पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, 8 आवर्स. यानी कि दोनों टाइम को ऐड करके किसके इक्वल रखना है, 8 आवर्स के इक्वल रखना है. क्या आपको टाइम निकालने का फॉर्मूला नहीं पता है? आराम से, आपको टाइम निकालने का फॉर्मूला पता है कैसे. देखिए, आपको पता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है. इस टाइम को आप इधर भेज दोगे, स्पीड को नीचे, तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड आ जाएगा. ठीक है, तो एक बार आप निकाल लीजिए, ये नोट कर लिया, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रेवल 120 किलोमीटर. ओके, चलो यहां बना देते हैं, कोई बात नहीं. अब देखिए,
टाइम टेकन बाय ट्रेन, टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ट्रेन का टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस लेना है, किसका डिस्टेंस लेना है भाई, ट्रेन का, क्यों, क्योंकि टाइम किसका है, ये ट्रेन का, यानी कि यहाँ पे ट्रेन का डिस्टेंस लेना है। और ट्रेन ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, 120 किलोमीटर डिवाइडेड बाय स्पीड लेना है, क्योंकि आप टाइम टेकन बाय ट्रेन निकाल रहे हो, इसलिए आप स्पीड भी किसका लोगे, ट्रेन का। तो ट्रेन का स्पीड आपने कितना अज्यूम किया है, एक्स, तो यहाँ हम रख देंगे एक्स किलोमीटर पर आर। ओके, अगर आप यूनिट्स नहीं लिखना चाहते हो तो मत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो हम फिजिक्स में लिखते हैं ज़्यादातर। अब प्लस लगाए यहाँ, तो प्लस लगा देंगे। ओके, अब देखिए ये क्या है, टाइम टेकन बाय कार, फॉर्मूला तो वही लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि यहाँ भी हम क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लेकिन किसका डिस्टेंस लेंगे, कार का डिस्टेंस लेंगे। तो कार का डिस्टेंस कितना है, 480 डिवाइडेड बाय स्पीड किसकी लेंगे, कार की लेंगे, और कार की स्पीड आपने क्या अज्यूम करी है, वाई। तो अब ये क्या है, एक तरीके से ये है टाइम टेकन बाय ट्रेन, और ये क्या है, टाइम टेकन बाय कार। दोनों टाइम को जब मैं ऐड कर दूंगा तो टोटल टाइम के इक्वल रख सकता हूँ, यानी कि 8 के इक्वल रख सकता हूँ। अब यहाँ से आप बना सकते हैं एक तरीके की इक्वेशन, ओके, जिसको आराम से इजीली सॉल्व किया जा सकता है। ओके, या आप इसको ऐसे ही छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, इसको मैं कहाँ नोट कर लूँ, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया है, क्योंकि इसमें कुछ सॉल्व होने की संभावना तो लग नहीं रही है। चलो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, 120 डिवाइडेड बाय x प्लस 480 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल्स टू 8। ये बन गया केस नंबर 1 के हिसाब से एक इक्वेशन बन गया। अब चलिए केस नंबर 2 लेते हैं, ठीक है। केस नंबर 2 में क्या बोला जाता है, उससे भी विजुअलाइज करते हैं डायग्राम की हेल्प से, एक एक केस पढ़कर आपको इक्वेशन बनानी होती है। ओके, केस नंबर 2 में ही टेक्स 20 मिनट्स लॉन्गर। अब इस स्टेटमेंट का जरा मतलब समझिए, ही टेक्स 20 मिनट्स लॉन्गर, यानी कि वो 20 मिनट ज़्यादा लेगा। कब, जब ऐसा होता है, क्या होता है, अगर वो 200 किलोमीटर ट्रेन से जाए और रिमेनिंग किससे जाए, रेस्ट किससे जाए, कार से। ध्यान से सुनिए, 20 मिनट ज़्यादा लगने का ये मतलब है कि भाई 8 घंटे जो लगते थे वो तो लगेंगे ही लगेंगे, अब 20 मिनट और लगेगा, यानी कि अब टोटल टाइम होगा 8 आवर्स प्लस 20 मिनट्स। ये इस स्टेटमेंट का मतलब है 20 मिनट लॉन्गर का। ओके, यानी कि अगर मैं आपको केस नंबर 2 विजुलाइज कराऊं, इफ ही ट्रेवल्स 200 किलोमीटर बाय ट्रेन, यानी कि 200 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो बताइए रिमेनिंग कितना बचेगा, ट्रेन से इस बार हो गया 200 किलोमीटर और कार से इस बार हो गया 600, टोटल डिस्टेंस है ना, टोटल में से 200 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 400, यानी कि कार से कितना जाता है, वो 400 किलोमीटर जाता है। ओके, फिर से वही काम करना है, टाइम टेकन बाय ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाय कार इज इक्वल्स टू, अब कितना टाइम लग रहा है, ही टेक्स 20 मिनट्स लॉन्गर इफ ही ट्रेवल्स 200 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रेस्ट बाय द कार, यानी कि 20 मिनट्स लॉन्गर, यानी कि 8 घंटे जो लगते थे वो तो लगते ही हैं, यानी कि 8 आवर्स प्लस 20 मिनट और लगते हैं उसको, प्लस 20 मिनट्स। अब देखिए यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, टाइम टेकन बाय ट्रेन निकाल सकते हैं, टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस बार ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 200 किलोमीटर, तो यहाँ रखेंगे हम 200 और डिवाइडेड बाय स्पीड, स्पीड किसकी लेनी है, ट्रेन की लेनी है, ट्रेन की स्पीड कितनी है, एक्स है, प्लस लगाया है, लगा देंगे, टाइम टेकन बाय कार, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि डिस्टेंस लेंगे बट किसका, कार का, कार से कितना चलता है इस बार, 400 किलोमीटर। ओके, तो 400 डिवाइडेड बाय स्पीड, स्पीड किसकी लेनी है, कार की लेनी है, इज इक्वल्स टू, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, देखिए 8 आवर्स में मिनट को नहीं जोड़ा जा सकता है, ये छोटी क्लास में आपने पढ़ा है, आवर्स में आवर्स ही ऐड होगा, यानी कि इसको तो आप 8
अर्थ रहने दीजिए और 20 मिनट को किस में चेंज कर लेंगे, आर में। मिनट्स को आर में कैसे चेंज करते हैं, 60 से डिवाइड करके। ओके, तो 20 ये 60 से जैसे ही इसको हमने डिवाइड किया ये मिनट्स चेंज हो गया किस में, अर्थ में। अब देखिए ये भी आर है, ये भी आर है, दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, यानी कि ये जीरो से जीरो पहले कैंसिल हो जाएगा। ओके, 2 1 2 होता है और 2 3 6 होता है, यानी कि यहाँ पे बच गया आपका कितना, 1/3। ओके, मैं लिख देता हूँ यहीं पर 1/3। अब ये ब्रैकेट लगाओ ऐसा, आर ये भी आर ये भी, यानी कि दोनों एड्स हो सकते हैं, आप आर अब हटा सकते हो, बाहर लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ना लिखना हो तो ना लिखो, बस इसको आप ऐड कर दो दोनों को। तो देखा आपने यहाँ इंपॉर्टेंट बात, मिनट्स को आर में पहले चेंज कर लेंगे। ओके, ये 8 के नीचे 1 लेंगे हम, 3 और 1 का एलसीएम आ जाएगा कितना, यहाँ मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ इसको, लिख यहाँ पर दूंगा 8/1 + 1/3 कितना हो जाएगा, 3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 3, ये 8 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 8 24 + 1 25/3 कितना आ जाएगा, 25/3। ओके, तो ये आ गया आपका कितना, 25/3 ये आ गया, ठीक है ना। अब बस ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन, है ना। सुनिए, क्या आपको ये सॉल्व करना आता है, याद आया ये कौन से टाइप के लीनियर इक्वेशन बन गए, जिसमें 1/x आ रहा है और 1/y आ रहा है। तो 1/x को क्या अज्यूम कर लोगे यहां पर, u, और 1/y को क्या अज्यूम कर लोगे, v। ओके, तो लेट 1/x इज इक्वल्स टू यू एंड 1/y इज इक्वल्स टू वी। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, 1/x की जगह u लेंगे तो 120u बन जाएगा, ये ऐसे क्वेश्चंस में बहुत पहले करा चुका हूं, है ना। 120u प्लस 1/y को v लोगे तो 480v इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। एक ये इक्वेशन हो गई, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और यहां से भी एक इक्वेशन बना लीजिए, ये हो जाएगा 200 × 1/x, यानी कि 200u प्लस 400 × 1/y, यानी कि 400v इज इक्वल्स टू 25/3। ओके, तो ये दोनों इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके पहले हम u और v का वैल्यू निकालेंगे, और जब u और v आ जाएगा तो x का और y का वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, तो अब ये चाहो तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर सकते हो। ओके, एक काम कर सकते हैं, ये जो फोर्थ इक्वेशन दिखाई पड़ रही है इसमें कुछ थर्ड और फोर्थ दोनों में ही कॉमन आ रहा है ना एक तरीके से, तो ठीक है। चलो, तो इस थर्ड इक्वेशन को देखो मैं क्या कर सकता हूं, इस पूरे में से मैं 8 कॉमन ले सकता हूं, आ रहा है कि नहीं आ रहा है पहले चेक कर लो। 1 2 0 / 8, 8 1 होता है 8, 4 जाएगा 8 5 40, यस। ओके, तो 8 कॉमन लेंगे तो यहां क्या बच जाएगा, 15u प्लस 8 6 होता है 48, 0 बच गया, यहां 8 कॉमन लोगे और ये आ गया 8, समझ में आया, क्योंकि इस 8 को वापस अंदर दोगे तो 8 × 15 कितना हो जाएगा, 120, और 8 × 60 हो जाएगा 480। तो 8 मैंने कॉमन ले लिया ताकि थोड़ा मेरा इक्वेशन इजी हो जाए, सिंपल हो जाए, सिंप्लीफाई कर लेंगे थोड़ा सा। अब देखिए ये 8 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड होगा, यानी कि 15u प्लस 60v इज इक्वल्स टू 8, तो पहले से था, और ये 8 आके इधर डिवाइड लगाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ। तो ये एक बहुत सिंपल इक्वेशन आपको मिल गई, इसको हम नाम दे देते हैं लेट अस से इक्वेशन नंबर 5। अब इसी तरीके से ये जो इक्वेशन है आपके पास 200u और 400v वाली, इसमें से आप 25 कॉमन ले सकते हो। देखिए 25 अगर मैं कॉमन लूं, ठीक है ना, तो यहाँ कितना बच जाएगा, देखिए 200 / 25 कर लो। ओके, 5 5 = 25, 5 4 = 20, और 5 0 = 0, 5 8 = 8, तो 8 बच जाएगा अंदर। आप 25 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वापस 200 मिलेगा। u प्लस 400 / 25 करिए, 400
divided by 25, 5 5s are 25, 5 8s are 40, 0, 5 1s are 5, 5 1s are 5, okay, or 3, 5, 6 are, okay. तो अंदर आ गया कितना 16, 16 को अगर आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 400, और v यहाँ बचा है ऐसे ही लिख देंगे इज इक्वल्स टू 25 बाय 3। अब देखिए ये 25 इधर मल्टीप्लाई में, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ भेजोगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि 8u प्लस 16v इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 3। तो देखो पहले से था ये 25 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड होगा, ये देखिए यानी कि 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, 25 से 25 आपका कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से आपके पास क्या बचा देखते हैं, आपके पास बचा 8u प्लस 16v इज इक्वल्स टू, 8u प्लस 16v इज इक्वल्स टू, ऊपर 1 बचेगा नीचे 3, 1 बाय 3, ओके। ये बन गया, ये बन गया आपके जाके इक्वेशन नंबर 6। अब आपको क्या करना है, आपको फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन को सिंपली सॉल्व कर लेना है, यहां से आपका यू और वी का वैल्यू आ जाएगा, ओके। तो करते हैं इसको सॉल्व, फिफ्थ और सिक्स्थ को, आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर लो, एलिमिनेशन से जिससे भी करना है कर सकते हो आप, ओके। ये लिखते हैं हम यहाँ पर फिफ्थ इक्वेशन, 15u प्लस 60v इज इक्वल्स टू 1, और सिक्स्थ इक्वेशन लिखते हैं इसके नीचे 8u प्लस 16v इज इक्वल्स टू 1 बाय 3, ओके। अब देखिए पहले u को एलिमिनेट कर लेते हैं, मेरे ख्याल से हो जाएगा आराम से। तो ऊपर वाली इक्वेशन को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वाली इक्वेशन को हम 15 से, ओके। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है इसका, 8 इंटू 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा 120, ओके। ये हो जाएगा 120u प्लस 8 6 जा होता है 48, 0v इज इक्वल्स टू 8 वन जा होता है 8, 15 इंटू 8 हो जाएगा आपका 120u प्लस 15 इंटू 16 अगर करोगे आप, 15 इंटू 16, 6 5 जा 30, 3 6 1 जा 6 प्लस 3 9, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 0 9 5 14, 1 2, 240। तो 15 इंटू 16 कितना आ गया 240v इज इक्वल्स टू 15 इंटू 1 होता है 15, और नीचे क्या है 3 है, और देखिए 3 वन जा 3, 3 फाइव जा 15, यानी कि यहां पर क्या बच जाएगा 5 बच जाएगा, लिख देते हैं ऐसे, ओके। अब u के कोफिशियंट सेम हो गए, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ओके। ये जो इक्वेशन है इसमें से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, 120u से 120u कैंसिल हो जाएगा, 480 माइनस 240 आपका आ जाएगा 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 4 4, और 4 माइनस 2 होता है आपका 2। v को ऐसे ही उतार देंगे और देखिए 8 माइनस 5 होता है आपका 3, ओके। तो इस तरीके से आपका आ गया v इज इक्वल्स टू 3। अब ये 240 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 3 अपॉन 240, 3 वन जा 3 और 3 एट जा 24, और 0 ऐसे ही लगा देंगे, यानी कि v इज इक्वल्स टू 1 बाय 80। बट यहाँ पे देखिए जरा v की वैल्यू क्या है 1 अपॉन y, तो अगले स्टेप में हम क्या करते हैं v की जगह 1 अपॉन y लिख देते हैं, 1 अपॉन 80। अब दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये भी पलट जाएगा, यानी कि 1 अपॉन y हो जाएगा y अपॉन 1, और 1 अपॉन 80 हो जाएगा 80 अपॉन 1। y अपॉन 1 क्या होता है y, और 80 अपॉन, बस दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दो तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 80, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया 80, ओके। तो ये आ गया y का वैल्यू आपका,
यानी कि y क्या माना था हमने, कार का स्पीड ना, तो कार का स्पीड कितना आ गया, यहां मैं लिख देता हूं स्पीड ऑफ कार y इज इक्वल्स टू 80 किलोमीटर पर आवर। अभी ट्रेन का नहीं आया, तो ट्रेन का स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको पहले u का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ओके, तो निकालते हैं u का वैल्यू। क्यों निकालोगे, अब y का आ गया ना, तो ये वाली इक्वेशन की हेल्प ले लो ना, क्या दिक्कत है ना, इस इक्वेशन की हेल्प ले लेते हैं, चलो उससे ही निकाल लेते हैं। चाहो तो u निकाल के भी निकाल सकते हो, मैं जो फर्स्ट इक्वेशन आई थी उसकी हेल्प ले लेता हूँ। क्या था, 120 अपॉन x प्लस 480 अपॉन y। y अभी अभी हमने निकाला है, कितना आया है 80, तो यहां हम रखेंगे कितना, 80 इज इक्वल्स टू 8। ओके, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 वन जा 8 और 8 सिक्स जा 48, यानी कि 120 अपॉन x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 8। ये 6 राइट में जाएगा, तो 120 अपॉन x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 6, तो 120 अपॉन x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 6 होता है 2। ओके, अब देखिए बोथ साइड रेसिप्रोकल कर दीजिए, 2 को पहले तो 2 अपॉन 1 और बोथ साइड रेसिप्रोकल, तो ये x अपॉन 120 हो जाएगा और ये 1 अपॉन 2 हो जाएगा। ओके, अब इस 120 को इधर भेज दीजिए, तो x इज इक्वल्स टू 120 इंटू 1 120 अपॉन 2, 2 वन जा 2, 2 सिक्स जा और ये 0, यानी कि x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 60। और x क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन, तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितना आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। ओके।